आए हैं उनको रिवाइव करने के लिए, मगर पीछे से मॉर्टल आ रहे हैं और यहाँ पे दिलजीत भाई को कर दिया है भार। और ये जो है INDE क्लैन के दिलजीत भाई बाहर जाएंगे। M416 चल रही है, गोलियों की गड़गड़ाहट, और शार्को भाई यहाँ पे अपने घुटनों पे आते हुए, डेजा वू वहां से दूर से गोलियां चला रहे हैं। किंग यहाँ पर, मैं भी किंग, मेरे साथ डबल किंग, और ये किंग ने कोशिश करी थी बट अफसोस, बट एक बहुत बड़ा नुकसान INDE को लेना पड़ेगा। ETG का एक्शन है, शार्को को पिक ऑफ कर लिया, रौनक और ट्रांस कैच भी देखिए, रौनक ने ट्रांस को पिक ऑफ कर लिया। ओह माय गॉड, ईविल के रौनक भी यहाँ पे शिकार हो गए प्ले जोन का, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे रेंग के आ गए, बट ये INDE क्लैन का नुकसान हो चुका है, INDE का खात्मा होने वाला है। मात्र एक प्लेयर बचा है, उसके बाद हमें खबर आ जाएगी। स्काउट पिक ऑफ हो चुके हैं, ORB के किंग ने उनको पिक ऑफ किया है, बट जो टीम सोल का कॉन्ट्रीब्यूशन था INDE को तबाह करने में, मेरे हिसाब से वो 100% था। अभी NTT Gaming के पास सारे नंबर, और जैसे ही बोला वहां पे व्हाइट नॉकआउट होते हुए रौनक भाई ने उनको किया नॉकआउट। और ये जो है ये अब NTT Gaming के मैगजीन यहाँ पे रौनक को करेंगे नॉकआउट, और निंजा वहां पे करते हुए पेन के हिटमैन को NTT Gaming के मैगजीन ने समाप्त कर दिया रौनक को। और सोल की टीम पूरे एक छोटे से घर में आती हुई, क्रैट यहाँ पे अगर ग्रेनेड फटता तो चारों के चारों जाते हैं, दिक्कत हो सकती है। मगर वहां पे NTT Gaming के ऊपर गोलियां चलाते हुए वाइपर देख लिया है, पता है अंदर नहीं घुसना देना, बड़ी देर से लगी हुई है सोल की टीम NTT Gaming को रोकने में। क्या रौनक यही क्या कर दिया, ये रौनक भाई का जादू चल रहा है AWM के साथ, और हमने उसकी पूरी गूंज सुनाई दे रही है यहाँ पे स्टेडियम के अंदर। गोली कहाँ चली, गोली कहाँ चली, दिल कहाँ टूट गए पता नहीं चला। जिस तरीके से रौनक ने शॉट डिलीवर किया काफी था, बट डाकू के लैंसर ने शानदार प्रयोग करके सिद्धू को यहाँ पे नॉकआउट तो कर दिया, बट एक्साइटिंग तो वही एंगल था जहाँ पे गॉडल, यहाँ पे सोल वर्सेस और रौनक का एक और शॉट, एक्सचेंज को रिवाइव किया और एक्सचेंज को फिर से नॉकआउट कर दिया। ये मेरे को लग रहा है बार बार कह रहे हैं तुम रिवाइव करो मैं तुम्हें दोबारा मारूंगा, और डैमेज बढ़ाए जा रहे हैं अपना, बढ़ाए जा रहे डैमेज। जी बिल्कुल, डैमेज बढ़ाने का भी मेरे ख्याल से एक प्राइस होगा बट पता नहीं अभी हमें। बट यहाँ पे वाइपर भाई जो है बिल्कुल आ चुके हैं, इनके पास 4 फर्स्ट एड, और यहाँ जो है जल्दी जल्दी लूटते हो, मगर रौनक के ऊपर एक बार ये फोकस डालेंगे, देखते हैं डेजा वू इनके निशाने पे आ सकते हैं। बट वहां पे मॉर्टल भी खड़े, मॉर्टल की काफी अच्छी मैं कहूंगा जो पोजीशन बताए जा रहे हैं, कौन कितने पे खड़ा है, कितने एंगल, कितने डिग्री, पूरा मैं कहूंगा TPP का जो फायदा है वो पूरा फायदा उठाया जा रहा है क्रैट, और TPP तभी हमने ज्यादा प्रायोरिटाइज किया। मगर यहाँ पे लैंसर भाई गोली चलाते हुए निंजा को यहाँ पे नॉकआउट किया है, मगर वहां पे सिद्धू भाई गोलिया चिल्ला रहे हैं, और यहाँ पीछे से लैंसर यहाँ पे डाकू ऑफिशियल पीछे चार्ज करना चाहती थी, मगर ये क्या हुआ है, ये थोड़ी सी गलती होती हुई गॉडल के अलादीन अंदर आए और डाकू लैंसर को और साथ ही साथ उनके सहयोगी टीममेट को नॉकआउट किया। मगर VSS के साथ वहां पे NTT Gaming के एक्सटेंस यहाँ नॉकआउट होते हुए, ये पाइनएन का इलाका बड़ा ही खतरनाक हो गया है, क्योंकि नदी के बीच में मौत का खून जो है ज्वालामुखी की तरह भड़क रहा है अंदर, क्रैट हर किसी के अंदर वो लहर दौड़ रही है। बट अभी NTT Gaming के डेजा वू गेम के अंदर बने हुए क्रेटोस वहां पे घर के अंदर, सोल की टीम एक तरफ, RIP के लेजेंड खड़े घातक यहाँ पे 8-bit के मैट को करेंगे अलविदा। बट क्रैट सर्कल लेके चाली है, पाइनएन का एरिया था नॉकआउट गया, बट यहाँ पे डेजा वू को नॉकआउट कर दिया मॉर्टल ने, जो रिवेंज लेने आए थे NTT Gaming यहाँ पे अफसोस नहीं कर पाएंगे, बट मॉर्टल को यहाँ पे किल मिल चुकी है, एंड दे नीड टू डू समथिंग वेरी फास्ट, अगर अभी नहीं किया तो काफी मुश्किल हो जाएगा। डेजा वू को बचाने के लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई आ नहीं रहा, अकेले मैगजीन बचे हैं, यहाँ पे मॉर्टल को नॉकआउट किया और RIP के लेजेंड ने उनको सीधा गेम से एग्जिट डोर दिखाई, 8-bit के टेट यहाँ पे RIP लेजेंड को किया है खात्मा, और टेट भी यहाँ पर जो है समाप्त होते हुए। बट मॉर्टल काफी ग्रीडी था चाली, मॉर्टल को किल मिल गई थी, हील करके पैसे हो सकते थे, बट उनको ये नहीं पता था RIP के लेजेंड भी हैं वहां। तो अगर आपको एक शत्रु के बारे में पता ही नहीं, वो सबसे ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकता है, बिकॉज आपको पता ही नहीं अपने आपको बचाना कैसे है। बट अभी भी सोल की उम्मीदें जाग रही है, अभी भी जगी हुई है, क्योंकि 3 पेयर है उसमें से ओवेस, वाइपर और रौनक अभी भी जिंदा है। रौनक के पास अभी AWM है, अभी भी उस बंदूक में इतनी गोलियां हैं कि सारे सर्वर में जितने प्लेयर हैं उनको नीचे कर सके। 5 टीमें 10 प्लेयर, तो हर टीम से आप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारे प्लेयर शायद नहीं जिंदा होंगे। ओ यहां पे काफी अटल चार्ज किया, यहां पे नियो ने अंदर गए सीधा वहां पे जाके गॉड एल अभी को समाप्त करते हुए, और ये जो है नियो काफी ज्यादा दिक्कत में फंस सकते हैं, और उनको वहां पे नॉकआउट किया गया है, मगर वही रौनक पीछे से आते हुए और किल ले लेंगे, गॉर्डन से किल चुरा ली, वहां पे नॉकआउट किया किसने, किल कोई और ले गया, सोल को और एक फायदा होता हुआ। और यहाँ पे NTT Gaming के मैगजीन लेटे हुए रौनक वहीं पे खड़े M416 के साथ, और अगर वहां पे घातक घूम कर आते हुए गॉडल के अलादीन वहां पर खड़े हुए, अलादीन और उसका जादुई चिराग कुछ कर पाएगा क्रैट यहाँ पे टेबल, बड़ा मुश्किल होने वाला है। बट अलादीन अकेले बचे अपने ORB के, अगर अभी यहाँ पे आज ग्रेनेड जो फेंका था पूरा कुक करके, रौनक
रौनक रौनक, दिल जीत गया भाई शेर ने हमारा। आज चिकन बना दिया वहाँ पे तंदूरी, बिल्कुल तंदूरी चिकन खाया है। और क्रेटो जो छुपे हुए थे ऊपर उनको भी रगड़ के मारा है यहाँ पर। और वाइपर का जो प्रेजेंस है इस गेम के अंदर वो शानदार है। बट गॉडल के अलादीन अकेले अपने अपने कहते ना अपने वंचज का एक पूरा झंडा लेके घूम रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ पर 3v2v1 चल रही है गेम, 6 प्लेयर जीवित और रौनक यहाँ पे गोली चलाते हुए और ओ प्ले जोन से ही मरते हुए अलादीन प्याण ताक दिए। अब यहाँ पे 3 प्लेयर शेष है और ये 2 एनटीटी गेमिंग, यही मौका है उनके पास, मौके पे चौका या छक्का क्या मारने वाले हैं यहाँ पर। और गेम हो चुकी है इंटेंस, काफी सारे लोग चिल्ला रहे हैं सोल रौनक वाइपर, कोई ना कोई चिल्ला रहा है एनटीटी गेमिंग के लिए। मगर डेजा वो भी वहां पर खड़े है, क्रैट हमने देखा है, दोनों टीमों के पास काफी अच्छी रणनीति है मगर ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, पोजीशन दिए वहां पे। और सोल के ओवर की क्या पोजीशन है, क्रैट बाहर खड़े हैं घर के, पूरी विजन लेते हुए कि डेजा वो वहां से घूम कर आएंगे और वहां पर उनको आके थोड़ा पकड़ सकते हैं। मगर वहीं पे M762 लेके पकड़ के खड़े हुए वहां पे और 7.62 की गन काफी ज्यादा घातक साबित होती हुई। रौनक देख रहे हैं मैगजीन कहां पर है और मैगजीन रौनक की खुद फुल है मगर मैगजीन एक नीचे खड़े हैं और वो जो है मैगजीन, मगर वहां पे मोलोटोव फेंका है, डेजा वो पे कनेक्ट नहीं होगा, डेजा वो वहां पे छुपे हुए देख रहे हैं, उनको पता है डेजा वो की पोजीशन का है। मगर वहां पे चार्ज करते हुए सोल के वाइपर ने एनटीटी गेमिंग के मैगजीन को कर दिया और ये अकेले बचे हैं डेजा वो और इसी के साथ यहां पर जीतती हुई गेम नंबर 3 के अंदर। और जो पहले प्रयास किया था 2 गेमों में जहां पे दूसरी पोजीशन ले रहे थे, यहां पर सैनोक के अंदर विजयी बनते हुए और पूरा क्राउड खड़े हो चुका है। मैं चाहूंगा कि एक बार क्राउड को देखा जाए, सारे अपने दोनों हाथ ऐसे नीचे कर करके जो है सर झुका के सलाम करते हुए सोल को यहाँ पे क्रैक, बहुत ही बेहतरीन। और मैं देख रहा हूँ मॉर्टल की मॉम जो आई हुई है वो भी खड़े होके कर रही है और फाइनली चेहरे पे मुस्कान, 2 बार सेकंड और तीसरी बारी में फर्स्ट आकर जो तीसरा गेम था टीम सोल ने अपने हिस्से में लिख दिया और बेहतरीन शानदार और लाज